अंतागढ़ के मद्रासीपारा चौक में वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीर गैंद सिंह और शहीद गुंडाधूर की मूर्ति का अनावरण प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के मुख्य आतिथ्य और अंतागढ़ विधायक अनूप नाग की अध्यक्षता में किया गया। मंत्री लखमा ने इस दौरान कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे महान देश भक्तों का स्मरण करते ही जीवन में रोमांच भर जाता है। रानी दुर्गावती के रास्ते पर चलकर जीवन में देश की मिट्टी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा लाकर कार्य करने का प्रण हम सभी लोगों को अवश्य लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती ना सिर्फ आदिवासी समाज का बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव है। विधायक अनूप नाग ने अमर शहीद गैंद सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के पूर्व के साथ बस्तर के बहादुर बेटा गुंडाधूर तीर धनुष से अंग्रेज को लड़ाई किया है। उनको जगदलपुर मार्केट में ले जाके फांसी चढ़ाया है। उसी प्रकार इसी क्षेत्र के परालकोट में पैदा हुआ गांध सिंह, वो हमारा आदिवासी समाज के लिए भगवान से कम नहीं है। अंग्रेज का साथ वो भी लड़ाई किया है, उसके साथ में हमारे दुर्गावती मध्य प्रदेश से वो भी अंग्रेज हुकूमत में लड़ते लड़ते आपको जान को आहुति दिया है। आदिवासी समाज अंग्रेज हुकूमत में आदिवासी लोग जितना लड़े हैं दूसरा समाज को देखने नहीं मिल रहा है। तो चाहे डेबरी दूर हो, गुंडा दूर हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, हम गिनेंगे तो बहुत होगा। हमारा आदिवासी समाज का नेता ने अभी 10 नाम दिया है, अंग्रेज समय लड़े हैं, उनको भी हम मूर्ति लगाएंगे। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये महापुरुष लोगों को देखा नहीं है, ये अंग्रेज का गुलाम किए सपोर्ट किए हैं, इसलिए 15 साल में मूर्ति लगाने के लिए भी आने वाला पीढ़ी हमारे लोग क्या किया है उनको नहीं लगाया। भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, चाहे आदिवासी का गोटूल, आदिवासी का देवगुड़ी, हमारा मान नायक का मूर्ति लगाने वाला भूपेश बघेल का हिंदुस्तान का पहला सरकार है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।